Hai. Teng tara teng teng tara teng teng tara teng teng cak teng cak. मेरा चश्मा घटिया बिल्ली पागल पूरे हफ्ते की तनख्वाह से एक एक पैसा करके लिया था हाँ क्या है मेरा फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने मैं एक घंटे से कॉल कर रहा हूँ अरे माफ करना सेठ जी एक्चुअली आज मेरा छुट्टी ऐसा लगता है तुम हमेशा यही बोलते हो जब भी मैं तुम्हें फोन करता हूँ तुम्हें एक बात बता दूँ तुम्हारा काम देखने के लिए आज मैं इंस्पेक्टर भेज रहा हूँ और अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी नौकरी गई समझो मैं तुम्हें निकाल दूंगा अगर तुम्हारी जरा भी गलती मिली तो आज तैयार रहना धन्यवाद सेठ बहुत बढ़िया बिल्ली आ जाओ चलो घर की सफाई करनी है चलो शुरू हो जाओ बस वो एक बार इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर ले उसके बाद मैं आराम करूंगा और फिर मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा मेरे पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं सब तुम्हारी गलती है उठो इस बार मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा खास करके जब तुमने सबका खाना खा लिया हो उठो ये नहीं हो पाएगा मेरे पास ताकत नहीं है मैं नहीं जाऊंगा तो तुम यहीं रहो और फिर भूखे मरना मैं तो लखे के घर जा रहा हूँ खाना खाने बाय क्या लखा का खाना खाने मेरी ताकत वापस आ गई चला गया रुको दब लो अरे वाह लगता है उसने हमारे लिए दावत रखी है तुम दोनों बेवकूफ यहाँ कर क्या रहे हो ये जो मेरा भाई है ना ये भटक गया था और कुछ नहीं तुम्हारी कहानी तो बहुत बोरिंग है तुम दोनों जब तक इस खाने को हाथ नहीं लगाते हो तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं है पता होना चाहिए अगर तुमने सोचा भी इस खाने को हाथ लगाने के लिए तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा तुमने मुझे क्यों मारा आखिर लक्के ने इतना सारा खाना क्यों बनाया ओ नहीं वो लकड़ी काटने वाली पार्टी कर रहा है अब अगर वो इंस्पेक्टर इससे इंप्रेस नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा इंस्पेक्टर जैसा सोचा था उससे भी बुरा है लखा पास नहीं होना चाहिए हेलो क्या आप लखा बोल रहे हैं हाँ जी लखा बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ तुम्हारे घर आने वाला हूँ आधे घंटे बाद अच्छा ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा भाई हमें लखे को रोकना होगा भालू भाई ए जुट हो जाओ भाई क्या हम कुछ खा सकते हैं बालू अरे उसे अभी तक तो यहाँ आ जाना चाहिए था लगता है मुझे फोन करना चाहिए हेलो इंस्पेक्टर साहब आप कहाँ तक पहुँच गए इंस्पेक्टर साहब हेलो अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे फोन काटने की हेलो माफी चाहता हूँ सर यहाँ पर दरअसल नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है तो आप किधर हैं कुछ तो बोलो कॉल करना बंद करो मैं घर चला रहा हूँ अड़ियल टकला भाई दावत का क्या होगा वो मुझ पर छोड़ दो अब सुनो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई चक्कर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा अब जो ये चला गया तो खाना खाने का वक्त हो गया भाई हाँ भाई ठीक है चलो लखे के घर चले इंस्पेक्टर आया आया
आप जरूर इंस्पेक्टर साहब हो ना। वाह, ये तो बहुत बड़ा है और इसके साथ बॉडीगार्ड भी है। मुझे ये मौका बनाना होगा। आप दोनों इस तरह बंदर आइए प्लीज, इस तरफ। कितना स्वादिष्ट है। मैं तो बस यहाँ खाने के लिए आया हूँ। ये भालू कुछ गड़बड़ है। बिल्ली, अरे नहीं, इसने तुम्हें पहचान लिया। इधर आओ गंदी बिल्ली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माफ करना पागल है, यहीं रहो और हिम्मत मत करना बाहर आने की। चुप बैठो, इधर पानी पीजिए सर। थोड़ा और लीजिए प्लीज। यहाँ तो कुछ ठीक नहीं चल रहा, दावत की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये खाना पसंद आया होगा जो मैंने बनाया। खोत्री, डंडियों के साथ कौन खाता? ठीक है, जिस तरीके से खाना खाइए। चलने का वक्त हो गया। हे, रुकिए भाई साहब, आप कुछ भूल रहे हैं। रुकिए प्लीज। तो मेरे इंस्पेक्शन का क्या हुआ? मुझे उम्मीद है कि मैंने सारा काम स्टैंडर्ड से किया है ना? वो तुमने ये सब कब काटा? मुझे पता है, बढ़िया है ना, ये तो मैं हर एक महीने काट देता हूँ। तेरी तो मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। तब लो आराम से, तुम प्लान खराब कर दो। जरा ये देखो। बहुत प्रैक्टिस की है। कितना डरावना है। मेरे औजार और मैं मिलके एक बिना रोकने वाली पेड़ काटने वाली मशीन बन जाते हैं। ये दिखाता हूँ। आइए आप भी ट्राई कीजिए। चलो जो पसंद आए उठा लीजिए। ये तो मजेदार लगता है। मुझे ये सब बर्बाद करना होगा। ये क्या हो रहा है? हमने कसम मैं नहीं था। अरे ये मेरी फेवरेट आ रही है। अरे मेरा बच्चा, मेरा बेबी। मुझे दो ये खतरनाक है। जाओ यहाँ से शैतान कहीं के। ये पहले से ही मर चुका है। उल्लू की दम, तुम इन चीजों से हमेशा सावधान नहीं रह सकते। सही का। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे प्लीज रुक जाइए, मत करो। अरे मेरे औजार क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे शायद ये इंस्पेक्शन का हिस्सा होगा। अच्छा जेंटलमैन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे औजार पुराने हो गए? अरे कोई बात नहीं, बॉस नहीं दिला देगा। चलो मैं भी मदद करता हूँ। थोड़ा ओके बाय दोस्तों। वाह, अब मुझे हर महीने दो छुट्टी मिलेगी और नए औजार भी। क्या दिन था, मजा आ गया। जरूर कुछ और अच्छी खबर आएगी। हेलो लखा, मेरे इंस्पेक्टर को क्या हुआ? हाँ सेठ जी नमस्ते। वो अभी अभी गए। हाँ जी, ये वो थोड़े से अजीब थे बात कर रहे हैं मैं, लेकिन मैं जरूर पास हो जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो, वो सिर्फ एक ही था और वो भी इस समय जेल में है। लेकिन सेठ जी मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो तुम्हारे घर कभी पहुंचा ही नहीं, भालू ने उस पर हमला कर दिया और उसके कपड़े चुराए और उसे घर नंगा भेज दिया। और अब तुम अपने पैसे भूल जाओ और सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तुम्हारी नौकरी तो गई बेवकूफ। रुको, नहीं प्लीज, मेरी नौकरी। ए, गंदे भालू, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी।